दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पे जानने वाले हैं कि फोन पे में कैशबैक रिसीव कैसे होता है और किस तरह से आप ले सकते हैं। कैशबैक ये होता है दोस्तों, आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कैशबैक आखिर होता क्या है। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि कोई भी चीज हम कुछ भी करते हैं तो वो कंपनी हमें पैसे देता है, उसी को दोस्तों हम कैशबैक कहते हैं। यानी कि हमें जो फ्री में पैसे मिलते हैं उसी के समझ सकते हैं कैशबैक करते हैं। कोई हम स्पेंड करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो उस पर हमें कैशबैक रिसीव होता है। वो किस तरह से हमें मिलेंगे फोन पे ऐप में, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की आप सभी को मेक मनी ऑनलाइन का वीडियो मिलता रहता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड वहीं पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरह से हमें कैशबैक रिसीव होगा। दोस्तों यहाँ पे हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फोन पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पास फोन पे आ चुका है। आप सभी को अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और किस तरह से आप सभी को यहाँ पे कैशबैक रिसीव होगा मैं बताने वाला हूँ। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, देख सकते हैं ओपन करने पे इस प्रकार से कुछ डैशबोर्ड आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी को इसमें अपना अकाउंट्स नहीं क्रिएट करना आता है तो आप सभी को जो है इसका मैं प्रोसेसेस बता दूंगा, आप सब एक बार कमेंट कर दीजिएगा ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है तो। और बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगा और वहाँ से आप ऐप बना लीजिएगा। तो आप सभी को नया अकाउंट बनाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से तो आपको 100 रुपीज़ बिल्कुल फ्री में भी कैशबैक रिसीव होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैशबैक क्या होता है और किस तरह से में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैशबैक यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे आप मोबाइल यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफर करने का ऑप्शन शो कर जाता है, जहाँ पे आपको मोबाइल यहाँ पे नंबर मिल जाता है, मोबाइल नंबर के थ्रू आप किसी भी फोन पे यूजर्स को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका लिंकेड बैंक अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों आप सभी को टू बैंक UPI ID का ऑप्शन मिलता है, तो टू सेल्फ का मिलता है, यानी यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कैशबैक रिसीव होता कैसे है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारा सर्विस देखने को मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी को यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करने का, रेंट पेमेंट करने का, DTH लोन पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडुकेशन फी, क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी है आपको कैशबैक तभी देता है जब यहाँ पे कुछ स्पेंड करते हो। लाइक यहाँ पे दोस्तों ऑफर्स किस तरह से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी को क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हो तो आप सभी को यहाँ पे कुछ कैशबैक रिसीव होगा। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपको तो कुछ चार्ज ही देना पड़ता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज करते हो तो इसमें आपको कुछ कैशबैक मिलता है। तो कैशबैक कैसे मिलता है, मिलता नहीं है कैशबैक आप सभी को दोस्तों, क्या होता है कैशबैक मिलता है रिसीव होता है वो आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बट इसमें क्या होता है कुछ ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं उसको भी आप एक कैशबैक ही मान सकते हो, जिसको आपको जो एडिशनली वहां पे पेमेंट डिडक्ट हो जाता है और आपका जो एक्चुअल पेमेंट होता है उतना नहीं करने पड़ते हैं ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है 200 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे जो है 5% का एक कैशबैक दे दिया तो यहाँ पे इसका 200 या इतना रुपया हो जाएगा ठीक है, 195 रुपीज़ इस तरह से इसका जो है कैशबैक हमें मिल जाएगा। तो हमें 5 रुपीज़ का यहाँ पे कैशबैक रिसीव हो गया, तो इसी तरह से ये काम करता है। बाकी हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमें कैशबैक मिला है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हमें कौन सा कैशबैक मिला है, क्या मिला है, इसके लिए तो आप सभी को यहाँ पे एक रिवॉर्ड का आइकन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैशबैक काफ़ी सारा कैशबैक मिल चुका है मुझे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जुपिटर मनी में मुझे कैशबैक मिला, अभी ये है क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको 250 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा विथ जुपिटर सेविंग अकाउंट के साथ। यहाँ पे आपका कैशबैक का नंबर शो कर जाएगा, जिसको शो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे गिफ्ट नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको ले सकते हैं। अब इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना तारीख को ये कैशबैक अगर आप इसको रिसीव नहीं करते हैं, नहीं क्लेम करते हैं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। ऑफर का डिटेल क्या है यहाँ पे देख सकते हैं और जुपिटर क्या है इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी कैशबैक मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है भाई साहब कि गेट कैशबैक रिसीव अप टू 205 पर मंथ पर यूजर्स विथ जुपिटर सेविंग अकाउंट, मतलब 250 रुपीज़ का पर मंथ आप सभी को जो है पर यूजर्स विथ जुपिटर सेविंग अकाउंट्स पर दिया जाएगा कैशबैक। और यहाँ पे दोस्तों आपको 1% का कैशबैक और ऑल डेबिट कार्ड्स एंड सेलेक्ट UPI स्पेंडेड विथ जुपिटर सेविंग अकाउंट। तो बताया जा रहा कि अगर आप जुपिटर सेविंग अकाउंट से कोई भी स्पेंड करते हो, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो या फिर आप UPI के थ्रू, तो आपको 1% का कैशबैक एडिशनली दिया जाएगा। तो ये कहां पे मिलेगा, ये जुपिटर मनी में मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं नो कूपन रिक्वायर्ड टू अवेल दिस ऑफर ठीक है, और ऑफर वैलिड फॉर न्यू यूजर ओनली। तो
तो यहाँ पे जैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि जुपिटर अकाउंट पे आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपको एक क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शो पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे आप मतलब कि इसको क्लेम करते हो तो आपको ये अकाउंट डाल देना है, तो आपका जो है यहाँ पे जो एडिशनली बेनिफिट्स कितना हो गया 250 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिल गया, मतलब फ्री का अमाउंट हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम आगे आएंगे तो देखें यहाँ पे काफ़ी सारा कैशबैक क्या होता है दोस्तों, कोई भी कंपनी में आपको डिस्काउंट्स मिल गया, आपको वहाँ पे अमाउंट्स जो है उतना देने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कोटक 811 का है, इसमें भी 250 रुपीज़ का वाउचर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा है वहाँ पे अप टू था यहाँ पे 250 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर डायरेक्ट आपको 250 मिलेगा। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, सिंपल ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, बता रहा है कि भाई इतना अकाउंट आप खोलो, इतना करोगे तो आपको ये कैशबैक रिसीव हो जाएगा। तो ये सब बात हुआ कि आप सभी को कैशबैक डिटेक्ट होता है और आप सभी का कुछ बेनिफिट्स हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आप सभी को ये देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारा जो है कैशबैक रिसीव हुआ है। इसी में दोस्तों आप सभी को जो है फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पे आपको कैशबैक मिला है, जैसे देख सकते हैं ई वाउचर का कैशबैक मिला है तो शायद एक्सपायर हो चुका है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे किसी को पेमेंट किया था इसके बदले। जैसे मैं आपको बताया किसी को पेमेंट वगैरह आप करोगे तो आप सभी को यहाँ पे कैशबैक रिसीव होता है। तो यहाँ पे अप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक मूल्य परपज ई वाउचर्स विद फोनपे के जरिए, तो अवेल दिस ऑफर्स गेट्स नाउ का ऑप्शन पे क्लियर मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। ये तो बात हो गया दोस्तों हमारा कैशबैक किस तरह से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हमें फोनपे में किस तरह से कैशबैक मिलता है, क्योंकि ये जो कैशबैक मिलता है जैसे कैशबैक यहाँ पे मैं बता दूँ दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह में मिल जाएंगे जो कि दोस्तों दूसरा ऐप होता है, मतलब कि कंपनी एक दूसरे से मतलब कि इस तरह से कोलैब करता है कि दोनों का बेनिफिट्स हो। ये कैशबैक यहाँ पे दे रहा है तो आप उसमें अकाउंट्स बनाओगे तो उस कंपनी का फायदा हो गया, और आपने बनाया और आपको कैशबैक मिल गया तो ये कंपनी का आपको उस कंपनी से इसको पैसा मिल गया तो इसको फायदा हो गया। तो कुछ इस तरह से काम करता है। और बाकी आप सभी को फोन पे में कैशबैक लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑफर से यहाँ पे मिल जाएगा रेफर एस अर्न 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सभी को अर्न है, यहाँ पे आप सभी को 100 रुपीज़ अर्न करना है, उसके लिए आप सभी को इन्वाइट को फ्रेंड करना है और फ्रेंड को इन्वाइट करना है, 100 रुपीज़ का कैशबैक आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए 100 कैशबैक देन फर्स्ट UPI पेमेंट, तो जैसे आपका फाइनेंस UPI का यहाँ पे लिंक कर लेता बैंक अकाउंट UPI के जरिए फर्स्ट पेमेंट कंप्लीट करता तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। ये 100 रुपीज़ कैशबैक आपके फोन पे वॉलेट में मिलता है। फोन पे वॉलेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन शो कर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टॉपअप का ऑप्शन शो करता है, तो यहाँ पे टॉपअप पे क्लिक कर देंगे। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर सा पेज आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका लॉ बैलेंस देखने को मिला है यहीं पे आपको जो भी आपको कैशबैक मिलेगा रेफर के जरिए वो एक्चुअल में यहाँ शो कर जाएगा। और ये अमाउंट दोस्तों रियल अमाउंट है, इसको आप विड्रॉ भी लगा सकते हैं बैंक अकाउंट्स में, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, ये फोन पे वॉलेट में आता है। और यहाँ से दोस्तों किसी भी आप मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉलेट से आप पे कर सकते हैं और काफ़ी सारा आप काम कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, डिटेल रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कि एक्चुअल में ये रियल मनी ही है दोस्तों, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा अमाउंट्स, ठीक है। आप चाहो तो इस अमाउंट्स को ऐड भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं रिकमेंडिंग करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे कैशबैक के बारे में जानने आए हैं। तो इस तरह से आप सभी को रेफर करने पे आप सभी को कैशबैक मिलता है फोनपे के अंदर, तो समझ गए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों फोनपे का जो है कैशबैक काम करता है और इस तरह से आपको बेनिफिट्स दोस्तों मिलता है।